हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो देखाऊंगा और आपको जो बताऊंगा, ये जो सीआरटी पीसीबी का अंदर और सीआरटी पीसीबी का पावर सेक्शन का अंदर जो ये चॉपर दिखाया जाता है, ठीक है, ये चॉपर ये कैसे चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि नहीं है और ये खराब है कि नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करे, तो इसके ऊपर ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होगा न्यू टेक्नीशियन के लिए। दोस्तों, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ये चॉपर के बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, सभी जो एसी सप्लाई होता है, 220 वोल्ट के एसी सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सबका पावर सेक्शन का अंदर चॉपर देखा जाता है। एक्चुअली ये चॉपर का मतलब कहता है क्या होता है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का ऊपर एक नंबर होता है, ठीक है। तो चाइना पीसीबी के अंदर जिस नंबर यहाँ पर देखा जाता है, तो मार्केट पर जो चाइना किट होता है, कुछ कुछ अलग नंबर के ऊपर भी चॉपर देखा जाता है, और अधिकतर जो चॉपर यूज होता है ये नंबर के ऊपर चॉपर यूज होता है, ठीक है। ये सेम टाइप चॉपर मैं एक ओपन करके रखा है, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद आपका साथ आपका जो बताऊंगा कि अलग अलग कंपनी पीसीबी का ये चॉपर नंबर अलग होता है, ठीक है। दूसरा, जो अलग कंपनी होते हैं वो चॉपर अलग से कंपनी पीसीबी के अंदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये सब कुछ आपको क्लियर करूंगा, और ये खराब है कि नहीं है, मीटर से कैसे चेक किया जाता है कि नहीं है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये चॉपर का काम क्या है, चॉपर किस तरह काम करता है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो चॉपर होता है, चॉपर का दोनों साइड होता है, ठीक है, एक प्राइमरी साइड जिस साइड वोल्टेज इन होता है और एक सेकेंडरी साइड जिस साइड से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। ये जो हॉट सेक्शन होता है पीसीबी का, ये हॉट सेक्शन का साइड का साथ ये जो कूल सेक्शन होता है, ये जो बॉर्डर का बाहर कुछ भी पार्ट्स का साथ संपर्क नहीं है। जो होता है मेनली, ये चॉपर से जो वोल्टेज पावर सेक्शन का जो रेगुलेटर रेगुलेशन सॉरी रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन होने का बाद तभी ये चॉपर का आउटपुट पॉइंट से वोल्टेज आउटपुट देता है, ठीक है। और जितना वोल्ट अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है, वो वोल्टेज के ऊपर टोटल पीसीबी ऑन होता है, चालू होता है, सब कुछ काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चॉपर का मेन मेन जो कनेक्शन था, ये आपको बताऊंगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा है टाइम सेव करने के लिए। आप देख सकते हो, मैं इस तरह ड्राइंग करके रखा है आपको अच्छा तरह समझाने के लिए, मैं ये किया, ठीक है। तो चॉपर का ये साइड प्राइमरी का ड्राइंग मैं किया, ठीक है, और ये सेकेंडरी साइड का ड्राइंग है। आप देख सकते हो, इसका अंदर जो वायर कनेक्शन होता है, प्राइमरी साइड का साथ सेकेंडरी साइड का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कनेक्शन नहीं है तो कौन सा हिसाब से इसका आउटपुट मिलता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चॉपर का प्राइमरी साइड बहुत कुछ पिन हो सकता है, लेकिन एक मेन पिन होता है जिस पिन पर मेन सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई इन पे इन होता है। मान लो ये पावर फिल्टर मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन होता है, पॉजिटिव साइड होता है, रेक्टिफाइड डायोड से टोटल एसी सप्लाई वोल्टेज फिल्टर होने का बाद, डीसी होने का बाद, डायोड का बाद, ये कैपेसिटर पर आता है, और ये कैपेसिटर पर एसी वोल्टेज होता है, सॉरी डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है। डीसी वोल्टेज चॉपर का एक पिन पर इन होता है, ठीक है, और चॉपर का वो पिन का साथ जो कॉयल कनेक्शन है, वो कॉयल का आर एक पिन से जो वोल्टेज पावर सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, और दोस्तों एसटीआर होगा तो एसटीआर का जो सप्लाई पिन होता है, सप्लाई पिन पर जाता है। तो दोस्तों, वोल्टेज यहाँ पर ही आने का बाद वो स्टॉप हो जाता है, ये मेन जो सप्लाई, ठीक है। और ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड होता है जो नेगेटिव होता है, और बीच में एक लो ओम्स का भी रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों, एक पिन जो ट्रांजिस्टर का है बेस पिन होता है, ठीक है, ये जो बेस पिन होता है, ये बेस पिन का अंदर एक सिग्नल आना चाहिए। सिग्नल मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर से जो चॉपर ट्रांसफार्मर से अलग सा वोल्टेज एक आउटपुट होता है, ठीक है, ये एक अलग सा सर्किट यहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये सर्किट से एक सिग्नल वोल्टेज
जब ये बेस पर आएगा, ठीक है, ये बेस पर आएगा तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा, ठीक है। ये जो स्विचिंग, जो रेगुलेटिंग जो सिस्टम, ये प्रॉपर तरह से होने का बाद ये जो कॉइल ये मैग्नेटिंग होता है, और मैग्नेटिंग का बजाय, ठीक है, इधर वोल्टेज आता है, ठीक है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज आता है, ठीक है। और इसका जो कॉइल का जो टर्न होता है, कॉइल का जो क्या बताऊंगा, जो गेज, जो थिकनेस होता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। ये अलग अलग कंपनी का अलग होता है। और उसका बाद ये जो पिन होता है, यहाँ से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट बात हो गया। तो दोस्तों, कॉइल फॉल्ट होने के बाद आप मीटर से, डिजिटल मीटर से, ये जो मीटर है, मीटर से आप चेक कर सकते हो कि नहीं, ये आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये तो थोड़ा सा मैं एक ड्राइंग करके आपको समझाया, और अलग अलग पीसीबी का जो सॉरी चॉपर का जो ड्राइंग होता है आपको दिखाता हूँ। ये मैं एक कॉइल में टोटल कनेक्शन किया और अलग अलग पॉइंट से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट आपको दिखाया। तो दोस्तों, ये जो चॉपर का मैं ड्राइंग किया, अलग अलग कंपनी का चॉपर का ड्राइंग इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरा ही अलग 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 कॉइल कनेक्शन और अलग अलग कॉइल से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। और चाइना का जो सिस्टम है, आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं ये चाइना का ही ड्राइंग करके रखा है। एक पिन ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है, ये नेगेटिव का सिंबल है, ठीक है। और ये 110 वोल्ट सप्लाई का लाइन है, यहाँ से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। तो एक नेगेटिव हो गया और एक पिन से 110 वोल्ट आउटपुट हो गया। और एक जो कॉइल होता है, ये कॉइल से 26 वोल्ट आउटपुट हो गया, और ये पिन ओपन है, ठीक है, बाद में आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह ये सेम वोल्ट है, ये पिन से 11 वोल्ट के आसपास आउटपुट होता है, जो रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है। और ये एक अलग कॉइल है जो 15 वोल्ट साउंड सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है, और ये कॉइल भी अलग है और इसका नेगेटिव भी अलग है। दोस्तों, चाइना का कॉइल का ये जो चॉपर का जो सिस्टम होता है, इसका अंदर ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट का साथ ये नेगेटिव पॉइंट को कनेक्शन करके चॉपर बनाया, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ ये जो चॉपर कॉइल का नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन करके रखा है, ठीक है। और इसीलिए ये जो पॉइंट, अलग अलग पॉइंट, सब कुछ पॉइंट का साथ आप मीटर से चेक करेगा तो ये पॉइंट टोटल कंटिन्यूटी देगा, कनेक्शन देगा, ठीक है। तो इसका बाद आपको ओम्स भी बताऊंगा और देखाऊंगा प्रैक्टिकली। उसका बाद आपको जो एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये जो साउंड सेक्शन का जो सप्लाई का कॉइल है, ये कॉइल का साथ ये कॉइल का कनेक्शन नहीं है, ये अलग सा कनेक्शन है, ठीक है, ये अलग सा कॉइल है। तो ये कॉइल से कंटिन्यूटी ये कॉइल पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तब भी पीसी पर जब कनेक्शन देखा जाता है, तो ये पॉइंट का साथ ये पॉइंट क्यों कनेक्शन देखा जाता है, ये पॉइंट का साथ क्यों शॉर्टिंग देखा जाता है, ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि सेकेंडरी साइड का जो नेगेटिव होता है, सेकेंडरी साइड का जो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये अलग से नेगेटिव है। प्राइमरी साइड का जो नेगेटिव, ये अलग है, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव, ये जो दोनों नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्शन नहीं है, बीच में एक पीएफ है और एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपको देखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही हाई वैल्यू का पीएफ है, ठीक है। कभी कभी ये सेकेंडरी साइड शॉर्टिंग देखा जा, शॉर्टिंग मतलब जो कारेंट मारता है, ये भी देखा जाता है। इसका जो मेन रीजन होता है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है और ये पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। और ये जो मैग्नेटिंग होता है, मैग्नेटिंग का बजाय भी कुछ कुछ लीकेज कारण इधर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली ये जो नेगेटिव है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ ये शॉर्टिंग है, ठीक है। और जब शॉर्टिंग यहाँ पर होता है, तो ये भी जो नेगेटिव है, ये सेकेंडरी साइड का जो नेगेटिव, ये भी इसी के साथ कनेक्शन है। तो ये नेगेटिव शॉर्टिंग का बजाय ये टोटल पिन ही शॉर्टिंग दिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको पीसीबी लेके दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरा पास ये सेम चॉपर ड्राइंग का पीसीबी है, ठीक है। तो मेरा पास ये मीटर है, मीटर लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप फॉलो कीजिए, मैं मीटर को बार्जर रेंज पर कंटिन्यूटी मोड पर रखा है, और इसका ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव के साथ आप देखिए, ये कंटिन्यूटी, ये पूरी शॉर्टिंग है, ये ओके है पीसीबी, ठीक है, ये शॉर्टिंग देखा जाता है। उसका बाद ये तीन नंबर पिन ओपन है, ठीक है, और ये पिन शॉर्टिंग है, ये पिन शॉर्टिंग है, देखिए ये पिन शॉर्टिंग है, ये पिन शॉर्टिंग है। ये लाइन से साउंड सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है, ये जो डायोड है, देखिए ये शॉर्टिंग है और ये भी शॉर्टिंग है, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद मैं जो कॉइल ओपन करके रखा है, चॉपर कॉइल, देखिए ये चॉपर का इधर एक बड़ा गैप है,
तो ये जो गैप है ये प्राइमरी साइड है और इधर कुछ भी गैप नहीं है, सेम तरह ये सेम डिस्टेंस से ये पिन कनेक्शन है। तो इसका कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला ये साउंड सेक्शन का कॉइल है, ठीक है, साउंड सप्लाई सेक्शन का, देखिए इसका शॉर्टिंग है लेकिन ओम्स देखिए 0 ओम्स है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ ये जो अलग अलग पिन है कुछ भी पिन के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसका बाद देखिए ये जो अलग अलग पिन है ये जो सब कुछ पिन के साथ कनेक्शन है, आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये पिन ओपन है और ये पिन के साथ कनेक्शन है, ये पिन के साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पिन ओपन है, ये 1 2 3 नंबर पिन है, ये पिन ओपन है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है कंपनी, तो इस तरह ये पिन ओपन है, ठीक है, ये 3 नंबर पिन, ये पिन ओपन है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये जो पिन है सब कुछ पिन के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली चॉपर जब फॉल्ट हो जाएगा, ये जो कॉन्टिन्यूटी आपको देखा है ये मान लो साउंड सेक्शन का सप्लाई नहीं है, तो ये कॉइल ओपन हो जाएगा तो आप मीटर से चेक कर सकते हो कि ये कॉइल फॉल्ट है और ये चॉपर फॉल्ट है। एक्चुअली इस तरह ये कॉइल ओपन नहीं होता है, मैं बहुत चॉपर देखा है, ये जो ज्वाइंट होता है, एक्चुअली ये जो ज्वाइंट होता है ये ज्वाइंट कभी कभी टूट जाता है, ये तो अलग बात है। तो टूट जाने के बाद ये रिपेयर आप कर सकते हो सोल्डरिंग करके। और मेनली जो प्रॉब्लम है आपको बताऊंगा, उसका पहले आपको ये जो प्राइमरी सेक्शन का कॉइल कनेक्शन है ये भी आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए आपको बात है कि मेन फिल्टर कैपेसिटर ये है, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई चॉपर का ये पिन पर आता है, ठीक है, और ये पिन के साथ ये आउटपुट पिन है, दोनों पिन कनेक्शन है। इसका भी ओम्स आप देख सकते हो, इसका भी ओम्स 0 ओम्स है, कुछ भी ओम्स नहीं देखा जाता है, 0 ओम्स देखा जाता है, मतलब शॉर्टिंग है, ठीक है। और ये कॉयल देखिए यहाँ से एक बीच में रेजिस्टेंस है और डायरेक्ट भी हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जब सप्लाई ये पिन पर आएगा और ये ट्रांजिस्टर का ये बेस पिन है और ये नेगेटिव पिन के साथ कनेक्शन है ये जम्पर, तो जब ये पॉइंट पर एक सिग्नल आएगा, ठीक है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये जो लाइन देखिए ये एक अलग सेक्शन, ये सेक्शन के साथ कनेक्शन है, क्योंकि ये जो अलग सा कॉयल है ये कॉयल से ये सेक्शन को सप्लाई देता है, ठीक है। सप्लाई देने के बाद जो सिग्नल बेस पर आएगा तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा, ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन होने के बाद तब इसका आउटपुट देगा, ठीक है। तो चलिए ये भी अलग सा कॉयल है, आप देख सकते हो ये भी अलग सा कॉयल है, लेकिन ये जो कॉयल है ये कॉयल के साथ ये सप्लाई कॉयल का कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो कॉयल है इसका ओम्स भी 0 है, आप मीटर पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको जब बताना चाहता हूँ, तो ये कॉयल शॉर्ट हो जाएगा तो आप ये मीटर से नहीं टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कॉयल में ओपन करके ही रखा है, ओपन करने का बाद आप चेक करेगा तो आप देख सकते हो ये जो कॉयल का ये एसी सप्लाई, सॉरी मेन सप्लाई इनपुट का पॉइंट है, इसका भी रीडिंग देखिए 0 ओम्स है, आप ठीक से देखेगा तो आपको दिखाता हूँ ये भी 0 ओम्स है, ठीक है। तो बात यही होता है कि जब ये कॉयल अंदर से शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, अंदर से शॉर्ट मतलब क्या होता है, कॉयल का जो वाइंडिंग इस तरह वाइंडिंग होता है, ठीक है, इस तरह जो वाइंडिंग इस तरह ये वाइंडिंग होता है और ये मैग्नेट होता है, ठीक है, बीच में मैग्नेट है और वापस ये जो कॉयल का वायर हीट होने के बाद अधिकतर ये कॉयल वापस ये शॉर्ट हो जाता है, इसी का एक वायर का ये जो टर्न होता है, टर्न वापस जब शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बाद इसका रीडिंग भी 0 दिखाएगा लेकिन ये कॉयल ओपन नहीं है। जब ये कॉयल शॉर्टिंग हो जाएगा ये जो कवर होता है कवर के अंदर ये बाहर से नहीं दिखा जाता है, ठीक है, तब भी इसका जो कनेक्शन होता है ये जो कनेक्शन होता है ये मीटर पर शो होगा, रीडिंग देगा, लेकिन ये शॉर्टिंग का बजाय इसका जो मैग्नेटिंग सिस्टम होता है ये काम नहीं करेगा। जब इसका मैग्नेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो चॉपर काम नहीं करेगा और पावर सेक्शन के सेक्शन से वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, ठीक है, और ये पूरा चॉपर शॉर्ट हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर भी बार बार काट जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर काट जाने का बहुत कुछ रीजन है, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद भी काट जाता है, ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर प्रॉब्लम होने के बाद ये कुछ दिन बाद बाद काट जाता है, ये बहुत कुछ रीजन है, लेकिन ये चॉपर शॉर्ट होने का भी रीजन हो सकता है, आउटपुट मेन पावर, सॉरी मेन पावर ट्रांजिस्टर काट जाने का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये नॉर्मल मीटर से आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करके ये चॉपर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, प्रॉपर आप चेक
नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये कॉयल का जो वाइंडिंग होता है ये ओपन हो जाएगा, तब चेक कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो चलिए उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये चॉपर ओके है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पावर सेक्शन का फॉल्ट कुछ भी रीजन से इसका आउटपुट नहीं देगा। तो आपको आसान तरीका जो होता है, आपको मॉड्यूलर यूज़ करना पड़ेगा, जो चाइना का मॉड्यूलर है, ठीक है। मॉड्यूलर बहुत बहुत टाइप का ऊपर होता है, मेनली सीआरटी पीसीबी के अंदर 110 वोल्ट का जो चॉपर होता है, सॉरी 110 वोल्ट का जो मॉड्यूलर होता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये एक टाइप मॉड्यूलर है, ठीक है। तो बहुत टाइप मॉड्यूलर हो सकता है, वो मॉड्यूलर लगा के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कारण क्योंकि मॉड्यूलर लगाने के बाद ये चॉपर से वोल्टेज आउटपुट देता है, ठीक है। तब भी मॉड्यूलर लगाने के बाद वोल्टेज आउटपुट नहीं देगा, तो आपको ज़रूर ये वर्टिकल आईसी को ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मेन मेन सप्लाई लाइन का जो कैपेसिटर होता है, ये सब कुछ आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो मेन मेन सप्लाई लाइन मतलब क्या होता है, ये जो चॉपर का जो डायोड, ये जो आप देख रहे हो, ये डायोड का मेन मेन पॉजिटिव लाइन पर एक का कैपेसिटर दिखा जाता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और ये जो जो सेक्शन पर सप्लाई जाता है, सभी सेक्शन को आपको ओपन करके, मान लीजिए डायोड पोजीशन को ओपन करके आपको चेक करके देखना होगा कि 110 वोल्ट लाइन पर सप्लाई आता है कि नहीं। और उसके साथ ये जो 110 वोल्ट सप्लाई का जो लाइन है, ये लाइन का ओपन करके चेक कीजिए, क्योंकि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और इधर साइड प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो नॉलेज मिला है न्यू टेक्नीशियन को, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। और इसका ऊपर पावर सेक्शन के ऊपर डिटेल्स वीडियो देखना चाहता हो तो ये वीडियो का लास्ट में मैं दो वीडियो दे देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ वीडियो दे देगा पावर सेक्शन का प्रॉब्लम के बारे में, तो आप वो वीडियो देख के पावर सेक्शन आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।